तो फ्रेंड्स फाइनली मैं पहुंच गया हूं भीलों के गांव में और आज भी ये चक्की यूज करते हैं। इस तरह से चूल्हा यहां पे साथ में इनके यहां पे है और देखिए ये क्या चीज है, ये गारा केबू दो ले केबू। किस चीज का बना है ये? ये गारा का। घुमाओ, ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स क्या बनाया था, गेहूं की रोटी। गेहूं की मेन इशू यहाँ पे ये है दोस्तों, यहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा बैरियर है। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि बहुत बहुत अच्छे दोस्तों। मैं आ गया हूँ राजस्थान में, जैसा कि आप जानते हैं मैं आ गया हूँ देवभूमि से इस टाइम वीरभूमि की ओर। पहले मैं गया जयपुर और अभी मैं हूँ उदयपुर में। तो मैं कल रात को यहाँ, रात को क्या सुबह 5 बजे यहाँ पहुँच गया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के एक गाँव की तरफ, जहाँ से मैं यहाँ लोगों से पता किया, लोकल लोगों से, कि यहाँ पे आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं। ठीक, उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि उदयपुर को भीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो भील है, जनजाति जो लोग यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं। अगर आप कहो कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ रहती है, तो सबसे ज़्यादा जनजाति जो रहती हैं उदयपुर में रहती हैं, उदयपुर उसके बाद जैसलमेर। तो अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पे एक गाँव है जड़ौल करके गाँव है, जहाँ पे भील लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं। तो आई थॉट कि मैं क्यों ना वहाँ के लिए जाऊँ। तो वहाँ के लिए मुझे बस मिलेगी यहाँ से रोडवेज के अड्डे से, जो सरकारी बस अड्डा होता है, और वो वहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ेगा मेरे को। तो वहाँ जाऊँगा और वहाँ मैं आदिवासी लोगों को अच्छे से एक्सप्लोर करूँगा। और अभी देखिए पीछे जो है, इस होटल में मैं रुका हूँ, ये देखिए ये गुलाब बाग करके होटल है यहाँ पे। और आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, बिल्डिंग है यहाँ पे महाराजा उदयपुर की क्लासिक कार्स का, उनका विंटेज जो कार है उनका कलेक्शन होता है, और उनका एकदम से म्यूज़ियम यहाँ पे है। तो वहाँ फ्रेंड्स ये है वो म्यूज़ियम, जहाँ पे लिखा पढ़ रहे होंगे द पैलेस उदयपुर विंटेज एंड क्लासिक कार कलेक्शन। यहाँ पे टिकट लगता है, अंदर जाने के बाद जो है आप उनके कारों का कलेक्शन देख सकते हो। ये भी मैं एक्सप्लोर करूँगा अच्छे से। तो अभी मैं चलता हूँ अपने डेस्टिनेशन की ओर, यानी कि जड़ौल की ओर, क्योंकि मुझे लेट हो रही है। और वहाँ से जो लास्ट बस आती है वहाँ से रिटर्न की, वो आती है 4 बजे। तो मुझे उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि वहाँ पे अच्छे से गाँव का एक्सप्लोर भी कर पाऊँ और फिर टाइम से अपने होटल वापस भी आ पाऊँ। तो फ्रेंड्स फाइनली पहुंच गया हूं लोकल बस अड्डे में, क्योंकि जो रोडवेज बस अड्डा था वहां से बस जाती है 12 बजे, और मुझे पूरा टाइम मैनेजमेंट करने का, मुझे वापस उदयपुर भी वापस आना है, तो मुझे लोकल बस स्टैंड आना पड़ेगा, क्योंकि लोकल बस चलती रहती हैं। तो आप पीछे देखें, ये है लोकल बस स्टैंड। और अभी मुझे पता चला कि यहां से ही नहीं, गाड़ी दूसरी तरफ से जाती है। यहां पर मैंने एक ऑटो किया है, ये ऑटो वाले भैया मुझे वहां पर लेके जाएंगे और वहां से जड़ौल के लिए बस जाएगी। तो देखते हैं किस टाइम पर वहां से बस निकलती है। पूरा का पूरा आप मेरे साथ बने रहिए। तो फ्रेंड्स ऑटो से निकलने के बाद मेरे को मिली यहाँ से टाटा सुमो राजस्थान में भी चलती है, मुझे लगता है उत्तराखंड में ही चलती है। तो यहाँ से जो है चल रही है टाटा सुमो, और लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद पहुँच जाऊँगा जड़ौल में। और ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मुझे यहाँ से सीट मिल गई, क्योंकि बस का चेक कर होता है, पहले बस भरेगी उसके बाद बस जाएगी, तो वो बड़ा इशू हो जाता है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ से निकलते हैं। भैया कितनी देर में पहुँच जाएगी बस वहाँ? ये सॉरी है, भरने के बाद नहीं, वैसा डिस्टेंस पूछ रहा हूँ कितना होगा, 1 घंटे? 1 घंटे का? अच्छा, पूरा गाल उसका फूल मरा, देख सकते हैं पूरा गाल फूल मरा हुआ, ठोकरे में लगी हुई है, बताओ यार। अमेजिंग फ्रेंड्स, फाइनली मैं पहुंच गया हूं भीलों के गांव में, और ये उदयपुर से लगभग 50 से 60 किलोमीटर दूर मैं यहां पे आया हूं, और उस जाता हूं गांव के अंदर, उसको एक्सप्लोर करता हूं, कैसे इनका रीति रिवाज है, कैसे लोग यहां पे रहते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से देखिए, यहां पे है इनका घर। आप भील जनजाति से हैं? आप भील हैं? तो 2000 बात करनी, आपके जो घर देखे मैंने, घर की चीज से बनाते अभी वाले, क्या चीज होती है ये क्या चीज है, ये जो आपने बनी ऊपर पत्थर से डाले हुए ना, ये आपको हिंदी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? आपके पति कहाँ है? उधर है। तो फ्रेंड्स इस तरह से इनके घर यहां पे हैं, और हैं ये आपके बच्चे? हेलो, क्या नाम आपका? नाम क्या है? मुकेश। आपका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? सुशीला। सुशीला,
आपका नाम मुकेश, इसका नाम सुशीला। पापा कहाँ गए? गांव में। ये बकरी तुम्हारी है? हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, मैं आजकल राजस्थान में हूँ। देवभूमि से मैं आया हूँ वीरभूमि में, और वीरभूमि के भी एक आउटस्कर्ट्स में मैं आया हूँ, जिसको कहते हैं जाड़ौन। और जाड़ौन में यहाँ पे भील जनजाति के लोग रहते हैं। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, भील जनजाति का घर है। और तो जानते हैं इनके घर के बारे में, इनके रीति रिवाज के बारे में, इनके खान पान के बारे में, और क्या खेती बाड़ी ये यहाँ पे लोग करते हैं, सारा का सारा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, और किस तरह से इनके घर गुज्जर फैमिली से, गुज्जर जनजाति से डिफरेंट होते हैं। अच्छा, वाह, राम राम आंटी, कैसे हैं? बढ़िया। आपकी बकरी है? आपकी बकरी है? हाँ जी। क्या हो रहा, खाना बना रहे हो क्या? देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आंटी मेरे को मिली है। देखिए आंटी, आंटी जी, आपको हिंदी समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? माता के राम राम काका, राम राम अपने पापा के राम राम काका, कैसे हो? राम राम, ठीक है। चंगे, बढ़िया बढ़िया, ओके। आपको आती हिंदी समझ में? आती है। इनको नहीं आती? आपकी क्या है ये? मिसेस। मिसेस है आपकी? अरे वाह, ताऊ तो इंग्लिश भी बोलता है। घुमाओ। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आटा चक्की। देखिए यहाँ पे अभी भी आटा वो करते हैं, यहाँ पे चूल्हा जला रखा है। ताऊ, ये जो ताऊ ये ऊपर है ना, ये हाँ। ये क्या चीज है? ये गारा, केदू बोले, केदू। किस चीज का बना है ये? ये गारा का। गारा पत्थर का? हाँ, गारा का, ये मिट्टी का। अच्छा, मिट्टी का। मिट्टी का आपने बनाया इनको? हाँ। अच्छा, तो ये छत पे डालते हैं बारिश बारिश अंदर ना आए? हाँ। अच्छा जी, अच्छा जी। और ये है इनका आंगन, देखिए आप, ये इनका आंगन है। और आप ऐसे घर बनाते हो अंकल? भील जनजाति है क्या है आप? भील है? हाँ, भील है। भील है आप? अच्छा अच्छा अच्छा। भीलू से आदिवासी क्या हो? आदिवासी है, आदिवासी। तो कब से अंकल जी यहाँ पे, कब से रह रहे हो बाबा जब यहाँ पे? बरसों साल। बरसों साल है? कई साल बीत गए? 60 सीतल का हुए। आपकी उम्र क्या होगी? 70 साल की। 70 साल होगी। मुझे लैंग्वेज थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है समझने में, लेकिन ताऊ अंकल भी थोड़ा बहुत हिंदी बोल पा रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो लेडीज हैं, यहाँ की जो प्रॉपर लैंग्वेज है, वही इसी में बात कर रहे हैं, तो मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रहा। लेकिन अंकल जी से थोड़ा बातें करके थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि थोड़ा समझ पा रहे हैं मेरी बात। क्योंकि क्या नाम भाई आपका? हकरा। अच्छा हकरा भाई, कैसे हो? बस बढ़िया। बढ़िया, मैं ऐसे घूमने फिरने आया, मैंने कहा गाँव में देखा अच्छा सा। उत्तराखंड से हूँ मैं। हाँ, नाम क्या आपका? लक्ष्मी भाई। तो आप भी, तो आपको हिंदी समझ में आ रही है जब मैं बोल रहा हूँ? आ रही है, क्योंकि ऊपर ताई को समझ में नहीं आ रही थी क्या बोल रहा है ये ताई। आपकी पढ़ी, थोड़ा पढ़ी लिखी हो आप? थोड़ा थोड़ा। कितना पढ़ी लिखी हो आप? पांचवी तक। पांचवी तक हो? ओ, फिर तो काफी यार। तो कभी शहर घूमना फिरना होता है उदयपुर? जाते हो आप लोग? अच्छा, आप लोग भील हो ना? तो कैसे कैसे शादी में क्या क्या बारात सिस्टम क्या होता है आपका? पंडित जी आते हैं, फेरे होते हैं आपके? फेरे होते हैं। फेरे होते हैं? कौन कराता, पंडित जी कराते हैं खुद ही से आपका? अपने हिंदू धर्म के नहीं होते। हाँ, अच्छा वो करते हैं, वो कराते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आपके लोग गीत भी कुछ होते हैं, भीलों के कुछ गाने गाने भी होते हैं? होते क्या होते हैं, आप गा सकते हो थोड़ा कुछ? नहीं, शर्माते बहुत है यहाँ के लोग। हैं? दो बच्चे हैं आपके? दो स्कूल, दोनों स्कूल जाते हैं? दोनों स्कूल जाते हैं। आप इसको पढ़ा रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो आप। तो खेती बाड़ी गेहूं होता है और सना होते हैं अभी। अब सना मतलब क्या हुआ? सना मतलब ये आपकी इधर क्या बोलते हैं? नहीं होते सने, चना के... चना हाँ, काला चना हाँ, काले चना। दाल चने वाले, चने वाला। हाँ, अच्छा अच्छा, चना होता है यहाँ। हाँ, अच्छा अच्छा। तो जैसे आपकी जो भील जनजाति है भैया, आप पुरुष हो, तो आपका घर में क्या काम रहता है? खेती बाड़ी। खेती बाड़ी। अच्छा, महिलाओं का क्या काम रहता है? महिला को घर का काम करते, और इधर इधर ये गायों को चारा हरा काट के लाना। अच्छा, घर की सफाई करना, चुभ उठ के रोटियां बनाना, ऐसा काम। घर का काम, खेती का काम महिला नहीं करती? कराती है, थोड़ा साथ में मिलके करते, मिलके करते हैं खेती का काम। ये बकरी भैया कितने में बिकती होगी? एक अच्छा 10-20 हजार में महंगी बिकती है काफी। अच्छा अच्छा, ये भैया का घर है यहाँ पे, हकरा भाई का घर। भील जनजाति के हमारे भाई हैं ये, और ये हकरा भाई का घर है। यही देखिए, बहुत प्यारा घर है आपका, तो बहुत सुंदर घर है।
ये देखिए मिट्टी के जो जनजाति हैं ये मिट्टी के घर बनाते हैं और ऊपर ये लकड़ी बांस लगाए, बांस अभी है, बांस है। ये बांस का घर इन्होंने बनाया लकड़ी का और ऊपर से कुछ प्लेट प्लेट से लगाते हैं आप, जैसे ताऊ के घर पे भी है। हाँ हाँ। वो क्या बोलते ताऊ कुछ मिट्टी से बढ़ के बनाते हैं ना उनको। हाँ। खप्पर खप्पर से। हाँ। ये इनका बाकी आपको सरकारी सुविधाएं सारी मिलती होंगी। हाँ। लाइट पानी। हाँ। है ना। हाँ। सब कुछ मिलती होंगी। मीटर और भी है घर पे कोई और है घर पे कौन है पति सब गया होगा काम पे। हाँ, पति है। अच्छा अच्छा ये आपके बच्चे हैं। आपके बच्चे कौन है लक्ष्मी बहन स्कूल गए ये इनके धर्मेंद्र कौन सी क्लास से पढ़ता है तू पांचवी में आज स्कूल ना गए क्यों नहीं गया क्यों नहीं गया तबीयत खराब है क्या हाँ छुट्टी है हाँ छुट्टी झूठ बोल रहा छुट्टी है छुट्टी नहीं है मम्मी के सामने झूठ बोल रहा है क्या बोला इसने क्यों नहीं जा रहा स्कूल में आज स्कूल जा नहीं रहा वो बहुत से बात हुई है था काट देते हैं जा नहीं रहा स्कूल भेजो उसको जान छोड़ देना आंटी मेरी तब इधर देखो आप ताऊ तो उधर है इधर देखो आप हाँ दीदी अब बताओ क्या बोला नाम अपने अपना मोनी भाई मोनी भाई दीदी आप पढ़े लिखे हो कुछ नहीं नहीं पढ़े हो दस्तखत कर दो हमारा दस्तखत कर दो आता है बच्चे कितना है बस ना दो दो बच्चा इनका भी दो बच्चा क्या लड़का लड़की लड़की है दो लड़की दो लड़का दो लड़की दो लड़का है शादी हो गई सबका एक रही एक रहे आपको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हिंदी आवेरी है हैं आवेरी है कि नहीं आ रहे हैं अच्छा तो दीदी क्या करते हो आप यहाँ पे क्या काम रहता है आपका खेती बाड़ी करो सो भैंस गाय भी से गाय से दूध दे कितना दे दूध एक किलो कुछ आवा आपको नहीं आवे मैंने सुनो था ना मेरे को पता ये बच्चा गाओ गीत घना गावे जब ये मोरी दीदी ओ मोरी दीदी आपका फोन है आपके पास ऐसा बड़ा फोन जिसमें वीडियो देखे फोन करे बटन वाला है आपके पास लक्ष्मी बहन आप जानते हो ये व्हाट्सएप फेसबुक आप नहीं जानते आप जानते होंगे आपको बटन वाला है हकरा भाई जो हम जालौन जा रहे थे तो उनका मैं आपको छोड़ देता हूँ मैंने कहा चलो आप भी हमको छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच ये है वहाँ तक जाने का तो भैया ही मुझे यहाँ से छोड़े तो सही है आराम से पहुँच जाऊँगा वहाँ पे और उन्होंने मुझे पूरे डिटेल में बताया यहाँ पे राजपूत लोग भी हैं पंडित लोग भी हैं और लाइट पानी की व्यवस्था पर सारी अच्छी अच्छी कोई ऐसी समस्या नहीं लाइट भी अच्छी है लाइट भी आती है भैया अच्छी और पानी भी अच्छा यहाँ पर है और कोई समस्या बहुत प्यारी लोकेशन है राजस्थान सबसे बहुत खूबसूरत है राजस्थान बहुत ही अलग अलग प्रकार का है रेगिस्तान है तो कहीं पहाड़ है कहीं कुछ है लेकिन यहाँ पे आके एक बहुत ही यूनिक जगह है बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके और मुझे आप पूरा डिटेल मुझे बता रहे हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी जगह यहाँ पे पड़ती है कौन कौन सी क्या है और पूरा डिटेल मैंने मुझे बताया तो फ्रेंड फाइनली मैं अपने होटल वापस आ गया हूँ मैं गया था बहुत दूर जनजातियों को एक्सप्लोर करने तो एक्चुअली उनके गाँव जो होते हैं उनके घर जो होते हैं बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं एक घर एक जगह पर होगा दूसरा घर दूसरी जगह होगा काफ़ी छितर छितर से एक पर्टिकुलर उनका गाँव नहीं होता है लेकिन तभी मैंने इतना हो सका एक्सप्लोर किया उनसे बातें जानी और अभी मैं अब जस्ट ही देखिए मेरे पीछे मेरा होटल है गुलाब बाग करके होटल है कल मुझे एक दो जगह और एक्सप्लोर करनी है अभी मैं बहुत थक गया हूँ जाता हूँ अपने रूम में थोड़ा नहा लेता हूँ क्योंकि हेडेक बहुत हो रहा है काफ़ी टाइम बाद मैंने ट्रैवल इतना किया बस से फिर टाटा सोमो से पहाड़ी एरिया था पूरा था तो बहुत खूबसूरत लेकिन अब आदत नहीं है तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है ट्रैवल करने में लेकिन फाइनली मैं रूम में आ गया हूँ तो आप जाता हूँ रूम में थोड़ा नहा लेता हूँ और फ्रेश हो जाता हूँ फिर आपको मिलता हूँ शाम को।